शराबबंदी का रियल पिक्चर आप सब लोगों ने देखा। हम क्या कर रहे हैं? ये लोकतंत्र का मंदिर है, विधान सभा है, और कल ही यहाँ जो है शपथ लिया गया। और हम लोग लगातार कहते रहे कि सरकार में बैठे हुए लोग लगातार इस तरह का काम जो है करा रहे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे इनके अधिकारी हों। और मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी सी समीक्षा की थी पूरे बिहार को लेकर, और उस समीक्षा का नतीजा ये निकला कि जो कल्पना भी नहीं किया होगा, लोग बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की कई बोतलें जो हैं वो मिली। हम तो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, हमको सूचना मिली तो हम भागे भागे आए कि भाई देख लें आंखों से कि क्या सच्चाई है। और हम लोग जब कोई चीज़ कहते हैं तो बिना तथ्यों के नहीं कहते, तथ्य के साथ कहते हैं, सच्चाई के साथ कहते हैं। और ये तो सवाल खड़ा होगा कि जहरीली शराब से, कल भी हमने जो है शराबबंदी को लेकर के हमने कई सवाल उठाए, कई लोग जहरीली शराब से मारे जाते हैं। दिस इज पूरा फेलियर है नीतीश कुमार जी का। अगर बिहार विधानसभा में लिकर की खाली बोतलें मिल रही हैं तो मुख्यमंत्री जी जो शपथ केवल एक नौटंकी करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शराबबंदी जो है पूरी तरीके से सफल है, कोई लोग इनके प्रशासन के लोग मिले नहीं। अगर प्रशासन के लोग मिले नहीं हैं तो यहाँ अंदर कैसे बोतल आ गया भाई, या बॉर्डर से पटना कैसे पहुंच गया? ये पूरे बिहार में नहीं मिल रहा तो बिहार विधानसभा में बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए तो आ ही नहीं सकता। वहां क्या शक्तियां लगा रहे, क्या महिलाओं के बाथरूम में घुसना चाहती है पुलिस? ये केवल और केवल नौटंकी। अब आप लोगों को कोई ऑथेंटिक जवाब सरकार से नहीं मिलेगा, सरकार से मिलेगा ये विपक्ष की साजिश है। अरे भाई, अगर यही साजिश करना होता तो 4-5 साल पहले से नहीं करते, 2017-18 के बाद से नहीं करते, कभी किया नहीं। हम लोग ना बनावटी हैं ना मिलावटी हैं, ये लोग पूरी तरीके से शराब माफियाओं के साथ। मुख्यमंत्री का तस्वीर भी हम लोगों ने देखा, इनके कई नेता एमएलए जो है नशे में नजर आते हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। भ्रष्टाचार की छूट है, शराब की छूट है, अपराध करने की छूट है नीतीश कुमार जी के विधायक और मंत्रियों को, लेकिन इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।